वाह ये तो सुंदर बनाया रहे, वाह ये तो सुंदर बनाया है। बोलो तो ये बिपुरिया का मेन मतलब ये ट्राई जंक्शन में बनाया गया है, तो इसमें आदमी काफी सारा फोटो खींच रहा है, आदमी काफी सारा यहाँ पे फोटो खींचता है, उस साइड भी खींच रहा है, इस साइड भी खींच रहा है। व्हाट्स अप गाइस, तो बहुत दिनों के बाद ब्लॉग्स बना रहे जैसा लग रहा है, तो एनीवे वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दंबर लाइव ब्लॉग्स। और वैसे दुर्गा पूजा फेस्टिवल चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, फिर भी दिल से आपका भाई आप लोगों को विश करते हैं हैप्पी दुर्गा पूजा सभी को। वैसे आज का सीन ये है कि अभी शाम का ऑलमोस्ट 7:30 हो गया, तो ड्यूटी जस्ट खत्म होकर घर पहुँचा था, तो विदाउट रेस्टलेस फिर से दौड़ना पड़ेगा हम लोगों को मतलब कि हम और अमित ब्रो को। तो वो हम दोनों कुछ छोटा सा प्लान किया है कि चलो थोड़ा घूम के आएगा, तो ब्लॉग्स पे बने रहना कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं, देखते रहना गाइस। तो ये देखो अमित ब्रो भी आ गया, वाइट ला पहना है बोलता जाके, लेकिन ठंडा भी हो सकता है ब्रो। चलो मारे और मयंक आगे जा रहा है। वाओ कितना सुंदर है, वाह ये तो सुंदर बनाया रहे, वाह ये तो सुंदर बनाया है, बोलो काफी सुंदर से बनाया है। वाह देखो, वाह गणेश भगवान भी है वहाँ पे, और यहाँ पे एक बूट, ये तो हिल रहा है, ये देखो बूट एक तो हिल रहा है, यहाँ पे भी है एंट्री है, वहाँ से एंट्री। वाह क्या ही बोलेगा, वाह ये तो बढ़िया बना दिया रे, ऊपर तक पूरा अंदर में दुर्गा मंदिर, बच्चा यार देख के डर रहना है। देखो अंदर का नजारा काफी बड़ा सा बना है, ऊपर भी देखो काफी सुंदर है सब चारों तरफ। देखो दुर्गा माता, तो ये देखो देखते देखते अमित ब्रो हम दोनों कहाँ आ गया, ये पूरा जो देख रहे हैं आप लोग ये सब द्विमुख सिटी है। हाँ अमित ब्रो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम दोनों कहाँ जाएगा नहीं बताएगा, सस्पेंस है। वैसे अभी ये द्विमुख को दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये करसिंह सर और जानना जगह से, तो अभी हम दोनों और आगे जाएगा। A few moments later. Guys, हम आसम तक पहुंच गए, देख सकते हैं चेक गेट यहाँ पे है, देखो बंद हो गया चेक गेट जस्ट पार करके, जैसे यहाँ में एंट्री किया तो पूरा शोर शराबा शुरू हो गया। अरे तो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि शोर शराबा होगा या धूमधाम होगा वैसे ही हो रहा है, तो हम लोग अभी जाना यहाँ से ना, हाँ तो हम लोग यहाँ से इधर जाना है बिपुरिया जगह, लेकिन हम लोग देखा नहीं, हमने फिलहाल हम पहली बार जा रहे थे, वो भी नाइट को जा रहे हैं। गाइस हम लोग अभी यहाँ पे है, तो अभी अमित ब्रो मैप लगा रहा है गूगल मैप, क्योंकि हम लोग कभी किया नहीं है, और इवन हम लोग यूट्यूब के सीधा तक जा रहा है, तो मैप लगा के मैप को देख के फॉलो करके जाएगा, तो अब करता है गूगल आंटी धोखा नहीं देगा। तो बिपुरिया वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, ऑनलाइन में दिखा था और गूगल में दिखा था 43 मिनट का रास्ता है, हाँ 15 किलोमीटर यहाँ से 15 किलोमीटर दिखा रहा है बोला है, चलो जाकर देखते हैं क्या होता है। तो भाई देखो चेक गेट के सामने में समागम हो रहा है, ढोल बजा रहा है, आदमी समझ लो भाई कितना सारा है ना।
चलेगा ना प्रॉब्लम। तो यहाँ देखो फाइनली बोर्ड मिल गया, बीपी राजा ने 11 किलोमीटर ये, तो यहाँ में ये बाहर को पूछा था, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है ना, सामने ही है ना, वहाँ पूजा हो रहा होगा, पूजा होता है ना बीपी। तो आप दोनों भी हाई बोल दो। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पे सामने में एक रेलवे ट्रैक था, उसको हम जस्ट क्रॉस किया। तेरे को बोला नहीं था कि अपने अपने वहाँ से हाँ बस ये बॉर्डर तक आने में ही भी दूरी है, दूरी है वही तो। अब यहाँ सामने है जरा 10 किलोमीटर ही अंदर, चलो सीधा वहाँ पहुँच के मिलते हैं आपको। ऐसे 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 करके वो अमित ब्रो का जो आगे लाल बाइक जा रहा है, वो भी एयर नंबर प्लेट ही है, 3 लड़का एक बुलेट बाइक में जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, वो भी कोरिया जा रहा है। तो फाइनली बीरपुरिया पहुंच गया, आसाम से लिखा है पता नहीं, लेकिन ये बीरपुरिया ही है, देख सकते हैं काफी बीरपुर है। तो यहाँ पे है तो वो आगे में लाइटिंग लाइटिंग हो रहा है। ये जो सामने दिख रहा है वो बीरपुरिया कॉलेज है, ऊपर में लिखा हुआ है लेकिन अंधेरा कारण से दिखाई नहीं दे रहा है, बीरपुरिया का कॉलेज है। उसमें यहाँ पे सीधा में सुंदर से बनाया गया है, हम वो आगे जाएगा अभी अमित ब्रो। तो ये बीरपुरिया का तीनाली है, यहाँ पे बड़ा सा एक पोस्ट हो के देख सकते हैं, दुकान काफ़ी सुंदर से डेकोरेशन किया है, लाइटनिंग यहाँ पे। तो बस यहाँ पे एक लाइटनिंग था, तो हम अमित ब्रो दोनों वहाँ से दूर से आए हैं, आगे भी रास्ता है। वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, असम का रोड रेंज, वहाँ पे झगड़ा हो रहा है। वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, बोला कपड़ा गुस्सा पे जा रहा है। तो गाइस असम में आकर जितना सोचा था उतना देखने को नहीं मिल रहा है, जितना एक्सपेक्ट किया था अमित ब्रो हमने उतना नहीं है, नॉर्मल ही लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी दो रास्ता है, वहाँ पे पूरा असम पुलिस खड़ा कर रहा है, इसलिए हम आगे जाने मन नहीं हो रहा है, ताकि वो AR0 नंबर देखने के बाद तकलीफ करेगा उसे। और यहाँ से भी आगे जाते हैं, रास्ता काफ़ी सुंदर है। फाइनली वेलकम टू बीरपुरिया। तो ब्रो हम दोनों फाइनली कर दिखाया है हम दोनों, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा फोटो सेशन होगा, हम दोनों का थोड़ा फोटो खींचेगा, बीरपुरिया का रिपोर्टर लोग जा रहे हैं। थोड़ा घूम कर भूख लग रहा था, तो अमित ब्रो हम दोनों कुछ देख रहे हैं खाने के लिए, क्या फ्राइड राइस है बोला है क्या, और फ्राइड राइस है। तो अभी बहुत घूमने के बाद अमित ब्रो हम दोनों एक छोटा सा ढाबा देखा है, यहाँ पे रुका हुआ है अमित ब्रो, वहाँ पे हम लोग फ्राइड राइस चिकन फ्राइड राइस मंगाया है, लेकिन यहाँ पे चिकन फ्राइड राइस 60 बोल रहे हैं, लेकिन बीरपुरिया है तो बीरपुरिया में जैसा सोचा है वैसा नहीं हुआ, लेकिन सोचा कि पेंडल बहुत बड़ा होगा सोचा, लेकिन वैसा तो नहीं मिला, यहाँ में नहीं है कहीं बड़ा सा पेंडल बना देगा, अच्छा मतलब पेंडल नहीं वो मूर्ति बहुत अच्छा ये है, मतलब कुछ ये मतलब अलग से कुछ बना है, और वहाँ पे वो शिव मंदिर का उत्सव बिल्डिंग में होता है इधर ना, जो नो एंट्री वाला, हाँ मत जान दिया, नहीं नहीं जाने तो दिया, बाइक नहीं जाएगा। तो ये भाई लोग बोल रहा है कि आगे में था, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग पहली बार आए थे। तो बीरपुरिया का फ्राइड राइस चलो खा कर देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। देखो तो अभी फ्राइड राइस को चक्कर देखते हैं हम लोग, ठीक है स्वाद है, भूख है ना हम लोग अभी, अच्छा टेस्ट लग रहा है, चल अभी तू खा, तू टेस्ट कर रहा है, हमको तो ठीक लगा है।
शायद बोगे बोलते हैं क्या। ना ठीक है ना बोगे बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा लगा। चलो इसको पहले खत्म करते हैं उसके बाद। जो हम लोग फ्राइड राइस खाया था काफी अच्छा लगा बना यहाँ पे। और ये भैया का ही दुकान है। तो ये कौन सा तिनाली था? ये पदुमनी तिनाली। ये पदुमनी तिनाली में अपना एक छोटा सा नया खुला है। तो आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं अगर यहाँ गुजरने से प्लीज यहाँ आकर कुछ खा पी के जाओ। तो काफी अच्छा लगा है हम लोग आने के बाद थोड़ा सा बातचीत करके। तो अभी हम लोग निकले हैं वहाँ पे, दोस्तों को बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा। गाइस रात में चश्मा पहन लेगा। तो अमितपुरा हम दोनों फाइनली नेरिस पहुंच गया असम से। तावलो यहाँ पे अबला है रोहित तावलो। तो हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ पे। देखो नेरिस में काफी सुंदर सजाया गया है, देखो लाइटनिंग। आज बहुत राइड हो गया, पहले दिन भर ड्यूटी किया है उसका सीधा असम, फिर असम में फिर अरुणाचल। देखो आदमी लोग और भी सारा आ रहा है। तो देखो देखो ताओ यहाँ पे पहले से तकरीबन दो घंटे से ज्यादा वेट करने वाला मेरी ये अपना अमित ब्रो। देखो ताओ यहाँ पे वहाँ में। अरे ये कौन है? अरे ये कौन है? अरे ये कौन है? हाँ अरे ये कौन है? एक बेलून पकड़ के। अरे पूरा अपना दोस्त हुए। तो फाइनली अपना सब दोस्तों को मिल गया। देखो पीछे में पहले जो वेट कर रहा था उन सब जगह में तो वहीं का अच्छा लगता है। देखो सब यहाँ पे, उतने में देखो अपना बड़ा बोलो सब यहाँ पे। असम में हम गर्दन मचा गया मेरा दोनों असम वहाँ में। इसमें काफी सुंदर से सजाया गया छोटा में सब बंदूक लिया करता था। यहाँ पकड़ो तो ऐसा बंदूक छोटा में 130 एस एम लेता था, 180 एस एम। अभी तो 600 रुपये बोलता है ना। अभी कितना हो गया प्राइस का? 600 ही है। देखो 600 हो गया। हम लोग जब छोटा में खेलते समय हम लोग बहुत कमती मिलता था। चलाओ देखो नेरिस के अंदर में यहाँ में स्टॉल काफी सारे स्टॉल है। यहाँ में खाने पीने से लेकर ये खिलौना खिलौना तक का यहाँ पे देखो लिखा है दम बिरयानी। और वो नीचे तक है पूरा दुकान। और यहाँ में इतना सुंदर सजाया गया है देखो। मैं चलो बजाओ। और वो लोग थक गया बजाने लालो, अभी मेरा दोस्त लोग बजाएगा। देखो राजेश तो कितना बजा रहा। देखो वो पीछे से गोली मार रहा है। अब दम्बर बजाने जा रहा है, हम लोग को रिजेक्ट मार के कुछ बजा रहेगा। क्या सुनाई नहीं दे रहे तो चश्मा फिर के मारो। राजेश कैसे? बस फाइनल अभी पहुंचा है, काफी थक गया और एडिटिंग भी करना है। थोड़ा धीरे इसलिए बात करें क्योंकि भैया सो रहा है, इसलिए उसको डिस्टर्ब ना हो इसलिए धीरे से बात कर रहा है। तो रात का ऑलमोस्ट देखो कितना बज गया। देखो ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है। तो फटाफट वीडियो एडिटिंग करके सो जाते हैं। तो देखो काफ़ी टाइम हो गया इसलिए धीरे से बात कर रहे हैं, प्रोसेस भी हो जाए या तो भैया का डिस्टर्ब ना हो। होप करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। आपको नींद लग रहा है गाइस।